यू आर हायर्ड या यू आर फायर्ड, इन दोनों स्टेटमेंट में बहुत ही थिन लाइन है और उसी थिन लाइन को डिस्क्राइब करने की कोशिश आज के वीडियो सेशन। क्या हुआ? ब्रह्मांड। इंटरव्यूअर जो आपसे सुनना चाह रहा है, यदि वो मैपिंग आपने उसके साथ कर दी तो यू आर हायर्ड, दैट मींस आपके पास कम भी नॉलेज है, लेकिन अगर आपको प्रेजेंट करना आता है तो यू आर हायर्ड। अदरवाइज आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, अगर आपको उसे प्रेजेंट ही नहीं करना आता है तो नॉलेज किसी काम का नहीं है। चलो एक काम करते हैं, बिल्कुल शुरुआत बिगिनिंग लेवल प्रोफाइल की बात करते हैं, MIS एग्जीक्यूटिव, उसके बाद डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या HR एनालिस्ट की भी बात कर रहे होंगे। लेकिन आप कभी गौर करके देखना कि इंटरव्यू दे के आए, बहुत अच्छा इंटरव्यू मेरे हिसाब से हुआ था, मतलब मैं कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ हूँ कि मेरा सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ तो वजह होगी। क्या कहते हैं, इस साइड गलती है या उस साइड गलती है? 100% वो जो गलती के चांसेस हैं वो इसी साइड है साहब, जिसकी वजह जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं और हमारे मन में 3600 सवाल आ रहे होते हैं कि नहीं नहीं उसको रखना ही नहीं होगा, या किसी और को रख लिया होगा, अपने रेफरेंस वाले को रख लिया होगा। वो वजह हो सकता है, समटाइम हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वजह वो होती नहीं है। इसलिए ये एनालिसिस हमें खुद का खुद से करना ही होगा कि आखिर चूक जो है वो कहाँ पे हो रही है। अगर उसे हम ऑप्टिमाइज कर पाए, उसे हम ठीक कर पाए, तो इंटरव्यू में वो जो ना सिलेक्शन होने का जो डर है वो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा होगा। चलिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आप मान लीजिए कि इंटरव्यूअर ने आपके सामने एक सेल्स डेटा रखा, जिसमें उसने आपसे बोला कि इसमें रेवेन्यू है, प्रॉफिट मार्जिन है और भी बहुत सारे चीजें, जैसे कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो उनकी रेटिंग्स है वो भी बहुत सारे चीजें उसमें मेंशन करके रखा हुआ है एक ही टेबल में। और अब उन्होंने आपके सामने एक सिनेरियो क्रिएट करते हुए सवाल रखा कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है हमारा, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी रेटिंग कैसी है, किसकी सैलरी में इजाफा करना चाहिए, किसका सैलरी घटा देना चाहिए, ये बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड सवाल आपके सामने रख दिया गया है। आपको क्या लगता है वो क्या चेक करना चाह रहे हैं? आपके स्किल सेट से रिलेटेड, आपको खुद लग रहा होगा वो आपके फॉर्मूला फंक्शंस को जानने में इच्छुक नहीं है कि आपको कितना फॉर्मूला फंक्शन लगाना आता है, आप वी लुकअप लगा लेते हो, पिवोटिंग कर लेते हो, उससे कोई उनका लेना देना नहीं। वो पहले ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये रॉ डेटा के बेस पे इसमें से जो बेहतर इंसाइट्स जिसको बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन मेरे सामने रख सकता है क्या, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल जो ग्रोथ होता है उसमें मेरी ये हेल्प कर सके। दैट मींस वो आपका एनालिटिकल स्किल्स चेक करना चाह रहा है, और मेरे हिसाब से एनालिटिकल स्किल्स जो है जितना आपका स्ट्रांग होगा आप डेटा को रिप्रेजेंट जो है उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप खुद भी जानते हैं। एक सेकेंड सिनेरियो, आपने ये भी देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम ऑर्गेनाइजेशन उसी डोमेन से जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है उसे हायर करना पसंद करती है जो कि उसके सेम डोमेन का हो। इससे बेनिफिट क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको टेक्निकल स्किल्स कितना है उससे कोई लेना देना नहीं, उसे टेक्निकल स्किल्स तो इम्प्रोवाइज किया जा सकता है बहुत जल्द, लेकिन जो डोमेन नॉलेज है वो टाइम के साथ आप उसके बिजनेस लॉजिक, बिजनेस प्रोसेस को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो वो चाहेगा कि सामने वाला जो मेरे पास आए, जिस प्रोफाइल से वो उठ के आ रहा है, मेरे पास अगर उसी प्रोफाइल की मैपिंग हो जाती है तो मेरे लिए बेहतर कैंडिडेट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको उस डोमेन की नॉलेज नहीं है तो मैपिंग नहीं हुआ, उसे आपको रखने में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। अब आप कहोगे कि मेरा तो सेल्स का एक्सपीरियंस रहा है या ऑपरेशन का या HR का, तो डोमेन स्विचिंग तो हो ही जाती है, अगर मुझे उस डोमेन में ग्रोथ रेट अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं स्विच करूंगा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन और वैलिड आंसर भी देने की कोशिश कि स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट स्विच कर रहे होते हैं और करके बहुत अच्छा ग्रो भी कर लेते हैं, लेकिन किसी भी एक डोमेन से स्विच करके दूसरे डोमेन में जाना इतना आसान भी नहीं होता है। मान लीजिए मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हूँ और मैं सेल्स में स्विच करना चाहूँ, कर सकता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता है स्विच करना, इसलिए डोमेन एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी होता है। इस हायर्ड या फायर्ड के प्रोसेस की तरफ अगर हम जाएं और कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करें, उसमें यह समझ में आता है कि आप चाहे किसी भी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट मींस सामने वाला उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता होगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जैसे मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा हूं वही सेम उसी पैटर्न पे उतना ही ऑप्टिमाइज्ड आंसर सामने वाले से आने की उम्मीद है। यहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं। कई बार नॉलेज होते हुए भी हम क्या गलती कर बैठते हैं, सामने वाले ने क्वेश्चन आपसे मान के चलते हैं पूछा, किसी भी चीज का एक डेफिनेशन आप दे दो और आपको उस चीज की नॉलेज भी है, आपने उसे इंप्लीमेंट करके भी देखा है, उसके बेस पे आपने काम भी किया है, आपने रिपोर्टिंग की है, तो अब आप क्या करेंगे,
आप उसे पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे, या उसने बोला डेफिनेशन, आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं कि देखिए सर इसमें ये फॉर्मूला, इसके बेस पे ये आउटपुट आया, नहीं है इंटरेस्टेड वो आपसे जानने में। ये उसने डेफिनेशन बोला था, आप इंप्लीमेंटेशन बताने का हकदार बिल्कुल नहीं है। सिनेरियो नंबर टू, उसने कई बार इंप्लीमेंटेशन आपसे पूछ लिया कि इसका इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में कैसे कर रहे होंगे, आप उसे डेफिनेशन बता रहे हैं कि सर ये होता है, वी लुकअप ऐसे अप्लाई करते हैं, वो छोड़ दीजिए, आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट, वो कवर करने जा रहे हो। किसी भी फॉर्मूला फंक्शन की बात करूं, या मैं प्योटिंग की बात करूं, या मैं कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, प्रॉब्लम समझ आ रही है? सामने वाला अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं बताएंगे, इंप्लीमेंटेशन पूछ रहा है तो उसको डेफिनेशन नहीं बताएंगे। कई बार वो यूज केस पूछ रहा है, उस टाइम आप उसको डेफिनेशन बता रहे हो, फिर गलत है। मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, आपके तरफ से आंसर भी उतना ही ऑप्टिमाइज जाना चाहिए। यही प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन नहीं होने का, कि आपके तरफ से ऑप्टिमाइज आंसर नहीं प्रेजेंट किया। अदरवाइज 10 क्वेश्चन पूछा ना, और अगर आपने 5 या 6 60% क्वेश्चन का भी आंसर सही दे दिया ना उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो 100% सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे केसेस डेली देखने को मिलता है कि सर मुझे 10 क्वेश्चन पूछा था, 10 में से मुझे तो 5 ही आंसर जो सही आया, लेकिन मेरा सिलेक्शन तब भी हो गया। कई बार ऐसे भी आपके पास सिनेरियो देखा होगा कि आपको लग रहा होगा 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर मैं दे के आया हूं, 100% मेरे हिसाब से सही है, लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ तो वजह होगी। अब एक्सेल इंटरव्यू में, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के लिए हो, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एचआर एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, एमआईएस एनालिस्ट, जिस भी प्रोफाइल के लिए दे रहे हैं आप इंटरव्यू, पूछा तो एक्सेल से क्वेश्चन कुछ जाता ही है ना, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, एक्सेल वो आना ही आना चाहिए। उसमें से जब इंटरव्यू देने की बात आएगी, और जब आप आंसर सेट की फ्रेमिंग कर रहे होंगे या आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक तो सर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन का प्रिपरेशन। सर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन में कई सारे चीजें आ गया। सर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन में सबसे पहले आया लुकअप सीरीज, आपको वी लुकअप सीरीज बहुत अच्छे से अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लेना है, ये हो गया सर्च वाली बात। उसके बाद कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे इफ के साथ और एंड, इन सब का कॉम्बिनेशन, सम इफ हो गया, मतलब ये इफ सम इफ सीरीज, काउंट इफ सीरीज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अगर आप करके रखेंगे तो सम इफ काउंट इफ इनमें से कुछ क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं, 100% कंफर्मेशन है इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद सामने वाला पहुंच जाएगा क्लीन अप और वैलिडेशन की तरफ, जिसमें डेटा क्लीनिंग वाली बातों से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो टेक्स्ट टू कॉलम की बात हो या पावर क्वेरी को अप्लाई करके कुछ बेहतर ट्रांसफॉर्म करने की बात हो उस रॉ डेटा सेट को। और फिर पूछा जाता है समराइजेशन और विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन। समराइजेशन में आपकी पिवट टेबल की बात आ गई, ठीक है, उसका प्रिपरेशन आपको कर लेना है, और विजुअलाइजेशन में आपका चार्ट एंड ग्राफ प्लस डैशबोर्ड की बात है। डैशबोर्ड बनवा के कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इसको विजुअलाइजेशन करना अगर आ रहा है तो इसका एनालिटिकल और विजुअलाइजेशन पार्ट दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपको इंटरव्यू देते टाइम उसे पता चल रहा होगा। तो ये मैंने आपको सिनेरियो डिस्कस कर दिया, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी मैं आगे कोशिश करूंगा एक वीडियो जरूर बनाऊं। तो इसी बेस्ट विशेस के साथ कि जिंदगी में थकते कभी नहीं रहे, और भले ही कदम दर कदम ही सही, लेकिन चलते जरूर रहे, और अगर थकते नहीं रहेंगे, जिंदगी में कदम दर कदम चलते रहेंगे, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वक्त के साथ भले ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लगेगा ही, लेकिन निखरते जरूर रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इनोसेंट फैमिली, थैंक यू दिल से।